चाचा विधायक हैं हमारे। इसे एक लाइन पर भौकाल काटने वाले युवाओं को आपने रील और फिल्मों में तो खूब देखा होगा, अब रियल लाइफ में भी देख लीजिए। खबर महाराष्ट्र की है, जहां महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के चीफ चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की लग्जरी कार ऑडी ने सोमवार तड़के नागपुर के रामदास पेठ इलाके में कई वाहनों को टक्कर मारी। गाड़ी का मालिक संकेत बावनकुले है, जो बीजेपी चीफ का बेटा है, जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर के बाद भाग निकला। अब ये टक्कर कैसे हुई, क्या बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है, पूरे मामले को समझिए और इसमें पिता का क्या कहना है ये भी जानिए। संकेत बावनकुले जिसकी ऑडी है, उस ऑडी ने पहले शिकायत करने वाले जितेंद्र सोनकांबले की कार को रात 1 बजे टक्कर मारी। इसके बाद एक मोपेड को टक्कर मारी, जिसमें बैठे 2 युवक जख्मी हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑडी कार ने मनकापुर इलाके की तरफ जा रहे कुछ और वाहनों को टक्कर मारी है। टी पॉइंट पर गाड़ी ने एक पोलो कार को टक्कर मार दी, जिसमें बैठे लोगों ने ऑडी का पीछा किया और मनकापुर पुल के पास उसे रोक लिया। संकेत बावनकुले समेत 3 लोग भाग गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोलो कार में बैठे लोगों ने हावरे और चित्तमवार को पकड़ लिया, उन्हें तहसील पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में आगे की जांच के लिए सीताबुल्डी पुलिस को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि घटना के समय ऑडी में बैठे लोग धर्मपेठ में एक बियर बार से वापस लौट रहे थे। हालांकि अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि उनमें से कोई नशे में था या नहीं। पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पिता का क्या कहना है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, वो कार मेरे बेटे के नाम पर है, पुलिस को इस दुर्घटना के निष्पक्ष और पूरी जांच करनी चाहिए। बहुत दुर्दैवी घटना है और इस घटना में भगवान जी की कृपा से, भगवान परमेश्वर की कृपा से कोई भी इंजर्ड नहीं है, किसी को भी कैजुअलिटी हुई नहीं है, कोई भी उसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 3-4 गाड़ियों को लेकर झड़प हुई है। और इसमें मैंने कल ही कहा है कि चाहे मेरे बेटे के नाम पे गाड़ी हो या कोई अपराधी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के नियम से कोई भी जो नियम बैठता है वो नियम से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैंने कल भी कहा है। कल मैं दिन भर 2 दिन से मुंबई में हूँ, मैंने पुलिस से उसकी जानकारी मांगी है, पुलिस ने मुझे प्राइमरी जानकारी दी है और मुझे लगता है अगर बेटे के नाम पे गाड़ी है, अगर वो गाड़ी मालक दोषी है, गाड़ी तो कोई और चला रहे थे, मुझे लगता है कोई एक उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था, अगर गाड़ी मेरे बेटे के नाम पे है तो उसके नियम से जो कार्रवाई होगी वो करना चाहिए। अब जो विपक्ष है, इस घटना पर संजय राउत सरकार पर भी बरस रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। धुंध होकर किसी को भी रास्ते पर कुचलते हैं, मारते हैं, जख्मी करते हैं, और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका FIR में नाम तक नहीं है, आता है। कानून अगर एक है इस देश राज्य में, कानून और लॉ एंड ऑर्डर है, करणवीर जी गृहमंत्री है तो बताना चाहिए। नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। RTO ऑफिसर ने क्या किया, नेम प्लेट क्यों बदली, नेम प्लेट क्यों निकाल दी। अगर बावनकुले जी का या उनके फैमिली का ये एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है तो ये चोरी छपाटी क्यों की, क्योंकि और जो गाड़ी चला रहे थे शहजादे वो तो नशे में धुत थे, उनको बचाया गया है। ये सब मामला सामने आने के बाद कानून व्यवस्था कितनी उध्वस्त हो गई है, खास करके जहां फडणवीस जहां से आते हैं गृहमंत्री, उस शहर का हाल देखिए। अगर और किसी पार्टी का नेता का ये लड़का होता तो अब तक फडणवीस की फौज हमारे पर इतना हमला कर देती, लेकिन आज आपके प्रदेशाध्यक्ष के बेटा है नशे में धुत रहा, ऐसे रिकॉर्ड पे है, गाड़ी चला रहा था, 2 लोग गंभीर तरह से जख्मी है, मऊ से जूझ रहे हैं और FIR में नाम तक नहीं, FIR में नाम नहीं है। अगर गाड़ी बावनकुले जी की बेटे की है, उनकी है, बेटा चला रहा था, सब कुछ खत्म कर दिया एविडेंस, तो आपको अधिकार है कानून का नाम लेकर अपने विरोधियों को त्रासदी देने का, नहीं है।
अब इस मामले में पुलिस का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। सीताबल्डी थाने के अधिकारी के अनुसार ऑडी कार ने पहले शिकायतकर्ता जितेंद्र सोनकामले की कार को टक्कर मारी और एक मोपेड को टक्कर मारी, जिससे उस पर सवार दो युवक घायल हो गए। अधिकारी ने कहा, कार के चालक अर्जुन हावरे और एक अन्य व्यक्ति रोनित चित्तमवार को पोलो कार में सवार लोगों ने रोका तो उन्हें तहसील थाने ले जाया गया, जहां से उन्हें आगे की जांच के लिए सीताबल्डी पुलिस को सौंपा गया है। अधिकारी ने बताया कि ऑडी कार में सवार लोग धर्मपेट स्थित एक बियर बार से लौट रहे थे, तब यह घटना घटी। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि उनमें से कोई नशे में था या नहीं। अब क्या संकेत को बचाने की कोशिश हो रही है? गाड़ी उस वक्त कितनी स्पीड में थी? क्या कोई नशे में था या नहीं? ये अब तक सामने क्यों नहीं आया? इतनी तेजी में गाड़ी कहां जा रही थी? क्या इन अमीर जादों के लिए कानून का कोई मतलब नहीं? ऐसे तमाम सवाल उठे हैं। देखना होगा कि इनका जवाब क्या मिलता है, क्योंकि ऐसा ही मामला पुणे से आया था, तब रईस जादों को बचाने के लिए पूरा प्रशासन लग गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।